मेरा आज आया था नहीं। अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। निवेदन है कि प्रधानाचार्य स्कूल शिक्षा के पद पर पदोन्नति में व्याख्याता तथा माध्यमिक विद्यालय के प्राध्यापकों को उनकी संख्या के आधार पर पदोन्नति किया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग में वर्ष 1990 से 2015 से पूर्व तथा व्याख्याताओं तथा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य पर पदोन्नति का अनुपात 50-50 का रहा है। दिनांक 25/3/2015 से मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिश उपरांत यह अनुपात व्याख्याता तथा प्रधानाध्यापक के बीच 67 से 33 से किया जाकर पदोन्नत की गई थी। वर्तमान में व्याख्याताओं की संख्या 53,399 तथा प्रधानाध्यापक की संख्या 3,529 है, जिसका अनुपात 93:7 बनता है। पदोन्नति के वित्तीय अधिभार की विसंगति छठवें वेतन आयोग के अनुसार भी नियमानुसार प्रदर्शन से न्यूनतम प्रतीत होती है, जिसकी पद व्याख्याता स्कूल शिक्षा प्रारंभिक वेतन 4800 और ACP उपरांत वेतन 5400, प्रधानाचार्य पदोन्नति पर वेतन 6700 और टिप्पणी 10 वर्ष एवं इसको भी अधिक समय तक कार्य करने के उपरांत ACP और वेतन वृद्धि से 6700 का वेतन भी क्रॉस कर जाते हैं, अतः वित्तीय अधिभार भी की संभावना न्यून है। प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय प्रारंभिक वेतन 5400, ACP उपरांत वेतन 6000, प्रधानाचार्य पदोन्नति पर वेतन 6700। न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने का प्रावधान है, जिससे 5400 पर 3 वेतन वृद्धि के उपरांत ही 6700 की ग्रेड पर आने के से बजट अधिभार बढ़ता है। अतः प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में व्याख्याताओं तथा प्रधानाध्यापकों के संख्यात्मक अनुपात को बजट घोषणा 2021 में सम्मिलित करते हुए पूरे प्रदेश में शिक्षकों को राहत प्रदान करावे। धन्यवाद। राजकुमार रोहत।